हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कल होने वाली स्मैकडाउन को लेकर। और यार, क्या WWE ने कल होने वाले टैग टीम यूनिफिकेशन मैच के नतीजे को लीक कर दिया है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यार, बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन को लेकर। तो राउंडा राउजी हमें कल फिर से ओपन चैलेंज देती हुई नजर आ सकती हैं। आप लोगों को मालूम होगा पिछले हफ्ते उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था जिसको एक्सेप्ट किया था रेशल रॉड्रिगेज ने, और यार उस मैच को रेशल रॉड्रिगेज हार गई थी क्योंकि यार अभी अभी चैंपियन बनी है राउंडा राउजी, तो ऑब्वियस सी बात है वो अभी तो नहीं हारने वाली हैं। इसके अलावा यार, हैप्पी कॉर्बन ने पिछले हफ्ते अटैक कर दिया था मैडकैप मॉस के ऊपर, जिसकी वजह से मैडकैप मॉस को स्ट्रेचर के ऊपर ले जाया गया था। अब यार ये चीज़ देखना होगा कि इस हफ्ते हमें क्या मैडकैप मॉस रिटर्न देखने को मिलेंगे और हैप्पी कॉर्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ऐसे यार चांसेस तो कम लग रहे हैं। बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच जो कि होने वाला है दी उसोज वर्सेस आरके ब्रोस के बीच में। अब यार यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं रिडल या फिर रैंडी ऑर्टन के ऊपर, जिसकी वजह से शायद उसोस इस मैच को जीत जाएंगे और रिडल या फिर रैंडी ऑर्टन पीछे जाएंगे रोमन रेंस के। क्योंकि यार आप लोगों को मालूम है पिछले हफ्ते रिडल ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया था। अब यार इससे मेरे को एक बात याद आ रही है, WWE ने अपने WWE यूनाइटेड किंगडम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर दी उसोस डबल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। तो यार शायद WWE से गलती हुई जिसकी वजह से उन्होंने कल होने वाले टाइटल यूनिफिकेशन मैच के नतीजे को लीक कर दिया, और उस गलती को सुधारने के लिए ही उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया। तो यार बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।